लेंस से प्रतिबिंब निर्माण थे उत्तल लेंस से चाहे अवतल लेंस से। अब बात करेंगे लेंस सूत्र की कि लेंस सूत्र होता क्या है। तो देखिए लेंस सूत्र, बिंब दूरी u व प्रतिबिंब दूरी v, v से डिनोट करते हैं, और फोकस दूरी f में संबंध बताने वाला सूत्र कौन सा सूत्र होता है, लेंस सूत्र। देखिए इसको कैसे लिखते हैं अपने गणितीय मैथमेटिकल में, वन वन अपॉन में f बराबर वन अपॉन में v माइनस वन अपॉन में u। ये जो है ना, ये इसका गणितीय रूप है इस लेंस सूत्र का। देखिए यहाँ पे f क्या है, फोकस दूरी, v क्या है प्रतिबिंब दूरी, और u क्या है बिंब दूरी। सबसे पहले आगे करने से पहले अपने देख लेते हैं कि ये दूरियां है क्या है, इनको कहाँ से कहाँ तक नापा जाता है। मान लीजिए अपने पास क्या है, एक लेंस है, आप कोई भी लेंस ले सकते हो, उत्तल लेंस ले लो चाहे अवतल लेंस ले लो। मैं एक बार उत्तल लेंस से समझा रही हूँ आपको। देखो ये क्या भाई, मुख्य अक्ष, बीच में क्या है प्रकाशिका केंद्र। सबसे मेन बात, कोई भी दूरी नापनी है, चाहे बिंब दूरी है चाहे प्रतिबिंब दूरी है, अगर कोई भी दूरी है वो आप इस प्रकाशिका केंद्र ओ से नापने शुरू करोगे। ओ से चाहे इस साइड है चाहे उस साइड, आप नापोगे बिल्कुल इसके लेंस के सेंटर से। अब देखो एक फोकस इस साइड होता है, एक फोकस इस साइड होता है, ये होती है लेंस की बाई साइड, बाइया कह लो आप, कह लो लेफ्ट कह लो, ये होती है दाई साइड। ठीक है, लेफ्ट और राइट, देखो अपना इस साइड से लेफ्ट और राइट। अब बात करते हैं यू क्या होता है, अपनी कोई वस्तु, मान लो वस्तु क्या है यहां पड़ी है, वस्तु हमेशा क्या होगी लेंस के बाई तरफ होगी, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस। उत्तल लेंस के अब अवतल लेंस के देख लीजिए, प्रकाशित केंद्र हमेशा इस साइड क्या होगा U, ये क्या है U, U यानी कि आपका बिंब, बिंब यानी कि वस्तु, हमेशा इस साइड होगी, ये भी बाई साइड ये भी दाई साइड। अब इस साइड जो अपने मान लेंगे ना वो हमेशा माइनस में ही लेंगे, चाहे U का ले चाहे V का ले चाहे F का ले, इस साइड जो मान लिए जाएंगे वो हमेशा धनात्मक लिए जाएंगे। अब देखते हैं जो बिंब है वो हमेशा इस साइड होते हैं, इसलिए बिंब दोनों में क्या होगा U, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं अपने, लिख लेते हैं उत्तल, उत्तल लेंस, और यहाँ क्या आएगा अवतल लेंस, दोनों को अपने तुलना करके सीख रहे हैं। ठीक है, अपनों ने क्या ले लिया U, U आप सबको पता है यहाँ क्या है बिंब की दूरी या बिंब कह लो, दोनों का किस साइड होता है हमेशा बाई साइड होता है, तो U दोनों में क्या आएगा नेगेटिव, इसमें भी क्या आएगा नेगेटिव। जब भी मान रखेंगे सूत्र में हमेशा उनके आगे मान के आगे माइनस लगेगा। अब बात करते हैं v, v यानी कि प्रतिबिंब दूरी, इसका प्रतिबिंब है यहां से कोई भी रेखा थी कहां से जाती है फोकस से जाती है, तो इसका प्रतिबिंब किस साइड बनता है उत्तल लेंस का, हमेशा दाई साइड बनता है, कोई एक ही चांस था जो किस साइड बना था बाई साइड, अदरवाइज इसको हम दाई साइड लेके चलेंगे, तो दाई साइड क्या अपनी पॉजिटिव। इसमें हमेशा क्या बनता है, देखो यहां से अपने मुख्य अक्ष पे ये बीच में डॉट डॉट कर लो, ये अपनी को किरण आपतित हुई यू निकल गई सीधी, तो पीछे हम यहाँ पे अपना एफ मान लो, इसको अपने पीछे की साइड यू मिलाते हैं लेकिन मिलती तो नहीं है ना, तो क्या करते हैं आपका प्रतिबिंब क्या है इस साइड बाई साइड ही कहीं प्राप्त होता है, तो इसलिए ये नेगेटिव आउटर लेंस है। अब बात करते हैं फोकस दूरी की, फोकस दूरी हमेशा यहां से जो किरण आएगी वो इस साइड फोकस से जाएगी, F2, F2 फोकस किस साइड है दाई साइड उत्तल लेंस में, तो इसकी फोकस लेंथ क्या होगी पॉजिटिव। ठीक है, और देखो ये जो अपने पास अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस लेंथ कौन सी ली जाती है पीछे की साइड, देखो क्योंकि सारी किरणें जो है सीधी निकल जाती है, इस वाले फोकस में से कोई किरण नहीं गुजरती, ये वाला फोकस किस साइड है बाई साइड, तो इसको क्या लेंगे नेगेटिव, इतनी बात ध्यान में रखो। ठीक है, अब जैसे कि अब देख लो कोई क्वेश्चन करते हैं आपने, सबसे पहले आप इसको मिटा देते हैं,
रखी है यहाँ से यहाँ तक की। और उसके बाद कहा गया है कि जो बिंब है वो लेंस से कितनी दूरी पर है, मतलब बिंब की दूरी दे रखी है कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो इसने क्या रखा है कि प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और उसकी प्रकृति ज्ञात करो कि वो कैसा है, किस साइड बनेगा, ये अपने को याद करनी है। अब देखते हैं अपना लेंस सूत्र लगाइए इस पे। लेंस सूत्र क्या था, वन अपॉन में एफ बराबर वन अपॉन में वी माइनस वन अपॉन में यू। देखो वन अपॉन में एफ फोकस दूरी, अब यहां देखो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी देखो, यहाँ पे उत्तल लेंस फोकस दूरी क्या है, पॉजिटिव यानी कि प्लस लेंगे, तो यहाँ पे कोई अपनी चार्ज नहीं लगी है। यहाँ पे आप इसको प्लस 50 लिखो चाहे आप इसको सीधा 50 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वन अपॉन में वी अपने को ज्ञात करनी है, तो जो ज्ञात करनी होती है उसका आप अपने कोई चिन्ह नहीं लेते। माइनस वन अपॉन में यू, बिंब दूरी कितनी दूरी है यू, और देखो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की बिंब दूरी देखो यू नेगेटिव, अपने यहाँ पे क्या लगाएंगे 30, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि उत्तल लेंस की जो प्रतिबिंब दूरी है वो हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, अब देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, वन अपॉन में बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वन अपॉन बी को एक साइड में रखो यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन में 50 माइनस ये 30 किधर आ जाएगा इस साइड, तो वन अपॉन में 30 बराबर में क्या आएगा वन अपॉन में वी आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, वन अपॉन में सॉरी इसका सबसे पहले आप क्या लोगे एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा 150। अब इसको सॉल्व करो, 50 से भाग दो, 50 से भाग गया 3 पे, 3 को इससे गुना करो क्या आ गया 3 × 1 = 3। अब 30 को इससे भाग दो कितना आ गया 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। वन अपॉन में वी, वन अपॉन में वी बराबर अपने को इधर क्या मिला 2/150, 1/V है लेकिन अपने को क्या चाहिए V, तो इसको सीधा लिख दो, यहाँ पे अपने को क्या संख्या प्राप्त होगी 150/2, इसको पलटा है तो ये भी पलटा जाएगा। अब इधर देखो V बराबर क्या प्राप्त होगा, देखो 3 में से 5 है तो किसका बचेगा, बड़ा चिन्ह किसका है माइनस का, तो -2 यहाँ भी क्या लगेगा -2। अब देखो 2 से इसको भाग दो, 2 × 14 = 2 × 10 = 75 क्या आया सेंटीमीटर वी, लेकिन किसका है माइनस का, अपने क्या आ गया प्रतिबिंब की दूरी आ गई कि उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर होगा 75 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। लेकिन अब देखो ये होगा कहां पे, माइनस है यानी कि देखो इस साइड बनेगा, इस साइड होता है तभी माइनस होता है, तो किस ओर बनेगा इसकी उन्होंने प्रकृति पूछी थी, तो किस ओर बनेगा बाई ओर, बाईं ओर बिंब की तरफ, ठीक है। दोबारा देख लो कैसे उन्होंने बी का मान निकाला है, माइनस है मतलब क्या होगा कि बिंब की तरफ बनेगा। तो ये सारा है अपने को चाहे कोई भी मान गया हो, यहां चाहे अपने बी का मान गया होता तो अपने यू का मान भी निकाल सकते थे सेम प्रोसेस से, एफ का मान भी सेम प्रोसेस से निकलेगा। अब ये तो बात होगी लेंस सूत्र की, अब बात करते हैं अपने आवर्धनता की। आवर्धनता आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें है लेंस से रिलेटेड है। अब देखते हैं आवर्धनता, सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं इसकी। आवर्धनता, आवर्धनता को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, मैग्निफिकेशन। तो इसको किससे डिनोट करते हैं अपने m से, m m बराबर अपने या आवर्धनता बराबर अपने क्या लिखेंगे प्रतिबिंब
की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई। यही इसकी डेफिनेशन है। प्रतिबिंब की और प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? आवर्धकता। हम देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को अपने क्या लेंगे? एच वन लिख लो चाहे एच डैश लिख लो, बटा में बिंब की ऊंचाई क्या ले लेंगे? एच ले लेंगे। एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई एच। अब आपको पता है प्रतिबिंब और बिंब क्या होते हैं। अब देखो प्रतिबिंब को अपने पीछे किससे लिखा था? V से। बिंब को किससे लिखा था? U से। तो चाहे अब ये फॉर्मूला लिखो चाहे ये लिखो दोनों ही सही है, लेकिन ये जो है ना आपका V अपॉन में U, जैसे अभी मैंने आपको लेंस सूत्र में बताया था कि V और U दोनों हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं अवतल लेंस के लिए, इनका मान अलग अलग होता है। और वही मान देखते हैं अपने इनका कैसे होता है। जैसे अपनों ने यहाँ पे क्या बना लिया, एक लेंस बना लिया, ठीक है। इसको अपनों बीच में से डिवाइड किया, ये क्या है? मुख्य अक्ष। बीच में क्या है? प्रकाशीय केंद्र O। मान लो यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे फोकस है, आपको ना आपको लिख लो, ठीक है। अब ये V क्या होता है? प्रतिबिंब। U क्या होता है? बिंब। सबसे पहले बात करते हैं अपने U की। U देखो यहाँ पे इस साइड प्रतिबिंब बनेगा, ये क्या है? U है। कैसे है? ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ये वाली जो सीधी लाइन है ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। इस मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ जितने भी चाहे प्रतिबिंब बने चाहे बिंब बने वो क्या होंगे? धनात्मक। धनात्मक किस कंडीशन में होंगे? जब ऊपर की ओर होंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ होंगे तो धनात्मक। और यही अगर अपन यहां प्रतिबिंब बना दिया, ये देखो ऐसे प्रतिबिंब बन गया, ये क्या है? मुख्य अक्ष की क्या है? नीचे की तरफ है। क्या है ये? प्रतिबिंब है, बिंब तो नीचे की तरफ है, तो क्या होगा ये? ऋणात्मक। नीचे की तरफ है तो ऋणात्मक, और अगर यही ऊपर की तरफ होता तो प्लस धनात्मक। सिंपल सी बात है, ऊपर की तरफ तो धनात्मक, नीचे की तरफ तो ऋणात्मक। अब इसको अपने क्वेश्चन से समझते हैं। देखो मान लीजिए अपनों ने पहली कंडीशन ले ली है, जैसे कि अपने पास एक लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है? फोकस एफ वन। ये क्या है? फोकस एफ टू। अब बात करते हैं यहां पे अपने पास क्या है? कोई बिंब रखा हुआ है, बिंब यानी कि यू, यू रखा हुआ है। ये कितना है? 2 सेंटीमीटर का अपने इसको मान के चलते हैं। इस साइड अपने पास क्या है? प्रतिबिंब है, वी है। वी मान लेते अपने कितने, 2 सेंटीमीटर है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लो, इतना कर लो, तो वी अपने को क्या दे रखा है? मान लो 4 सेंटीमीटर का दे रखा है अपने को वी। यू बिंब की ऊंचाई, वी प्रतिबिंब की ऊंचाई, दोनों दे रखी है। फॉर्मूला लगाओ इसमें, एम बराबर क्या लगेगा? वी अपॉन में यू। वी कितना है? 4 बटा में यू कितना है? 2। लेकिन काट तो दोगे, लेकिन अब देखो नीचे की तरफ है तो क्या होगा? ऋणात्मक। तो यहां पे क्या लग जाएगा? माइनस। समझ आई? अगर यही आगे की कंडीशन देखते हैं एक बार, एम बराबर काटो इसको तो क्या बचा? -2। अपने क्या कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है -2 गुना आवर्धित है। अब देखते हैं अपने सेकंड कंडीशन, देख लो यहीं पे अपने ये लेंस ले लिया, ठीक है, वही सेम प्रोसेस, मुख्य अक्ष है, यहाँ पे क्या बन गया अपना? यू है। इसको ले लिया अपने में 2 सेंटीमीटर ही रखो, ठीक है, और इसका बिंब बन रहा है, यहाँ मान लो इसका बिंब बन रहा है, हालांकि बनता ही है लेकिन आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। इसको अपना ने ले लिया 6 सेंटीमीटर ले लिया, वी बराबर 6 सेंटीमीटर है अपना, ठीक है, यहाँ 6 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला लगाओ, एम बराबर वी अपॉन में यू। बी कितना है? 6। यू कितना है? 2। लेकिन दोनों क्या है? ऊपर की साइड है तो क्या होंगे? धनात्मक। काटो बराबर में क्या आ गया? 3। एम बराबर
क्या आ जाएगा तीन। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना कि कैसे धनात्मक लेते हैं और कैसे ऋणात्मक लेते हैं। तो आज का अपना जो आवर्धन का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। एक बार देख लीजिए इसे।